और जी कैमरा तो ठीक लग रहा है। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट आप होल्ड करेंगे प्लीज। ठीक है ठीक है, ओके एक मिनट होल्ड करिए सर। ये बंदा ना, बेसिकली मैंने ओएलएक्स पे कैमरा डाला था बेचने के लिए, तो ये बंदा कैमरा मेरा खरीदना आया था और इसने बोला है कि ये आर्मी ऑफिसर है और इसने मुझे अपनी आईडी भी भेजी है, बट आई स्टिल हैव अ डाउट कि ये एक स्कैमर है बिकॉज इसने ज्यादा नेगोशिएट भी नहीं किया और बिना देखे कैमरा मेरा खरीदना चाहता है। सो डाउट है बट मैं देखने आता हूँ कि ये मेरे साथ स्कैम कैसे करेगा। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट्स सी। ओके लेट्स सी। हाँ जी सर, तो फिर कैमरा का कैसे करना, फाइनल कर लें? आपका कैमरा मुझे पसंद है, आप बताइए, मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। बस सर आप ये नहीं चाहते कि आप पहले एक बार मिलके कैमरा देख लें, यू नो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि आर्मी वालों से तो वैसे ही कहाँ मिलने का मौका मिलता है। रुचि वो बात आपकी ठीक है, बट अभी मेरी पोस्टिंग आउट स्टेशन है तो मिलना अभी हो नहीं पाएगा, बट आपका कैमरा मुझे पसंद है तो मैं चाहता हूँ कि ये अच्छी चीज हाथ से निकलना चाहे, तो इसलिए आपको एडवांस दे देता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप एक बात बताइए, आप पेमेंट कैसे करेंगे? मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक QR कोड मैसेज करता हूँ, तो आप उसको स्कैन कीजिएगा, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। QR कोड? बस QR कोड क्यों भेज रहे हैं? ये स्कैन करूं और मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दोगे तो? अरे रोहित जी, आर्मी ऑफिसर हूँ, ऐसा काम थोड़ा ना करूंगा। अच्छा तो एक काम करिए ना, ये QR कोड छोड़ दीजिए, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दे देता हूँ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए आप। अरे बैंक अकाउंट वाला काम बहुत लंबा है, पहले आपका बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको उसकी एक्टिवेशन में वेट करना पड़ेगा। मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, स्कैन कीजिए, आपके पेमेंट आपके सीधे अकाउंट का। और अगर कुछ स्कैम कर रहा हूँ तो पिन और OTP तो मांगता मैं आपसे, मैं तो आपको QR कोड स्कैन करने को बोल रहा हूँ। देखो दोस्त सुनो, ये ना नया स्कैम है ना जो मुझे पता है, मेरे दोस्त के साथ हो चुका है, पता नहीं तुमने किया किसने किया मुझे नहीं पता, बट ये हो चुका है। तो मुझे पता है मैं जैसे ही QR कोड स्कैन करूंगा मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दोगे तुम। अब वो कर कैसे रहे हो वो तो मुझे पता नहीं, बट हो रहा है ये। और यार थोड़ी शर्म तो करो यार, ये बेसिकली मतलब आर्मी ऑफिसर के नाम पे तुम ये सब स्कैम्स कर रहे हो यार, हद ही हो गई है यार, सीरियसली मतलब क्यों कर रहे हो ये सब यार? तुम्हें पता है किसकी क्या हालत है घर में, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, वो पूरा महीना कैसे चला रहे, उसकी क्या सिचुएशन है यार? स्कैम करके ना तुम लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो यार। भाई अब बोलो ना, क्यों कर क्यों रहे हो ये सब? पकड़े तो तुम गए हो यार, बोल दो। अरे भाई देख, अपना तो है ये काम, तू ही फंसा किसी और को फंसा देंगे, पर काम तो चलते ही रहेगा भाई। यार ये काम तो तुम चलाते रहोगे, मैं क्या बोलूं, बट ये कितना सब कमा लेते हो, ये कमा कितना लेते हो धान ले करके? भाई पहले तो बढ़िया काम था, बट अब लोग ज्यादा समझदार हो गए हैं, फिर ये कोरोना भी हो गया, तो अभी भी 5-6 लाख महीने का कमाई लेते हैं। 5-6 लाख और ये तुम्हें कम लग रहा है? वो भाई ये छोड़ दो यार ये सब फ्रॉड के धंधे, क्यों लोगों की मेहनत की कमाई खा रहे हो यार, क्यों लोगों की बददुआएं ले रहे हो? सुन भाई तेरा ज्ञान ना बटे, तो तू देर से मुझसे बात कर रहा है ना, तेरा फोन स्कैन करके भी तेरा एक अकाउंट खाली कर दूंगा। क्या तू मेरा फोन हैक कर लेगा? हाँ दोस्त सुन, जिस फोन से मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, उसमें ना मेरा कोई बैंक का वो है अकाउंट लिंक्ड है, ना ही कोई ऐप है, ना मैं इसमें इंटरनेट यूज करता हूँ, मेरा पूरा फोन खाली है यार, इतना समझदार तो भाई मैं भी हूँ, तो तू फोन हैक भी कर लेगा तेरे कुछ मिलेगा नहीं है, तो तू छोड़ दे। बट दूसरी बात ये सुन ले कि ये सब मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया और ये मैं डाल दूंगा सोशल मीडिया पे, ठीक है, ये सोशल मीडिया पे डाल के ना मैं तेरे जैसे स्कैमर्स की ना पोले खोलूंगा अब लोगों के सामने, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं पाएगी, एटलीस्ट लोग तो समझदार हो, लोग तो जागरूक होंगे ऐसे स्कैम से। भाई तूने जहां डालना है वहां डाल दे, तू नहीं फंसा तो की कमी नहीं है हमारे देश में, किसी और को पकड़ लेंगे किसी ना किसी तरीके से, इससे नहीं तो किसी और तरीके से काम करेंगे, पर अपना काम तो ये चलता रहेगा भाई। ठीक है भाई, अब तेरे को जो ठीक लगे, इससे ज्यादा मैं क्या बात करूं तुझसे। ये स्कैमर लोग नहीं सुधरेंगे, तो बेसिकली एक्चुअली मेरे दोस्त के साथ हुआ है, उसने क्या करा था कि उसने अपना फोन डाला था OLX पे बेचने के लिए, और एक बायर आया जिसने बोला वो इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिसर है और वो फोन खरीदना चाहता है, और ज्यादा नेगोशिएट करे बिना तो वो रेडी हो गया बिना देखे भी फोन की मैं पोस्टेड हूँ कहीं पे,
और अपनी आईडी वाईडी भी भेज दी, तो बोला कि मैं फोन खरीदना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्त को लगा ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एडवांस एडवांस दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसने मेरे दोस्त को एक क्यूआर कोड भेजा। मेरे दोस्त को इतना तो पता था कि अगर क्यूआर कोड स्कैन करूंगा उसके बाद कोई पिन विन डालना पड़ता है, कि अगर प्रोसीड टू पे वाला जो सीन होता है कि अपने अकाउंट से पैसे ना जाए। तो उसने मेरे दोस्त ने क्यूआर कोड स्कैन करा, उसको उसमें 10 रुपए रिसीव हो गए जो उस स्कैमर ने भेजे थे कि मैं आपको एक बार ट्रायल के लिए 10 रुपए भेज रहा हूँ कि आप देख लीजिए आपके अकाउंट में पैसे आ रहे नहीं आ रहे। तो मेरे दोस्त ने जैसे क्यूआर कोड स्कैन करा उसके अकाउंट में 10 रुपए रिसीव हो गए। तो मेरे दोस्त को लगा ठीक है यार, कोई स्कैम मैम का सीन नहीं, पैसे तो आ ही रहे हैं और कोई पिन विन तो डालना नहीं है। तो जैसे ही उसने स्कैमर ने दूसरा क्यूआर कोड भेजा मेरे दोस्त को, उसका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया, मेरे दोस्त के अकाउंट से सारे पैसे चले गए। अब वो कैसे हुआ वो अभी तक नहीं पता, बिकॉज इट्स अ न्यू स्कैम। वो पैसे कैसे गायब हुए बिना कोई पिन डाले, उसने कंप्लेंट भी करी बैंक में, आई डोंट नो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बट वो कैसे वाइप आउट हुए बिना पिन डाले, बिना कोई भी ओटीपी डाले, आई हैव नो क्लू, अभी तक ये नहीं पता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज कोई भी क्यूआर कोड, अगर कोई पैसे लेने के लिए भी कोई भी क्यूआर कोड डालने के लिए बोलता है, स्कैन करने के लिए बोलता है, तो प्लीज वो क्यूआर कोड स्कैन मत कीजिए, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड के साथ हो चुका है और भी लोगों के साथ हो चुका है। तो प्लीज आप इससे अवेयर रहिए। अगर आपको पैसे रिसीव करने भी हैं किसी से, तो आप उसको अपना अकाउंट नंबर दीजिए या फिर यूपीआई आईडी दीजिए, उसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन मत कीजिएगा। सो प्लीज बी अवेयर, बिकॉज योर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स। ठीक है, सो आई सी यू नेक्स्ट वीक एंड प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस स्कैम। थैंक यू।